हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि विदाउट शुगर प्रिंट आप घर पर फोटो केक कैसे बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शुगर प्रिंट जो है वो हमारे एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस मेथड को अप्लाई करके अपना फोटो केक आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ये मैंने दुर्गा पूजा स्पेशल केक बनाया था, तो इस पर मैंने भगवान जी का फोटो लगाया है, तो इसको मैं कट नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इस तरीके से ये केक बनाया है कि कटिंग के समय मैं इस फोटो को हटा दूँगी और फिर ईजिली अपना केक मैं कट कर लूँगी। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का मोल्ड लिया है, जिसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी मैं। फिर इसके अंदर मैंने बटर पेपर ऐड किया और उसको भी ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। अब नेक्स्ट हम रेडी करेंगे हमारा बटर मिल्क, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप मिल्क। फिर ऐड किया इसमें 1 TSP विनेगर, उसको मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि हमारा बटर मिल्क जो है वो रेडी हो जाए। फिर एक बोल में मैंने ऐड किया है 1 कप मैदा, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग पाउडर एंड 1/4 TSP बेकिंग सोडा। अब इस सबको हम अच्छे से सीव कर लेंगे और अगर इनमें कोई लम्स वगैरह है तो उनको भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस तरीके से, और इसको भी सीव कर लेंगे और इस मिक्सचर को मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे। फिर एक बोल में मैंने लिया यहाँ पर 1/4 कप ऑयल, इसमें मैंने ऐड किया 3/4 कप पाउडर शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसमें ऐड किया 1 TSP वनीला एसेंस और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा बटर मिल्क जो रेडी हुआ था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड में इसको मिक्स करते जाएंगे। फिर थोड़ा और ऐड किया, इसको भी मिक्स किया और लास्ट में जो हमारा बचा हुआ जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको भी ऐड कर दिया और इसको भी अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बैटर जो है वो रेडी हुआ है। अब इसको हमने जो रेडी किया था हमारा टिन उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी अवन में 180 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए। ये देखिए इसको इस तरीके से टैप कर लेंगे थोड़ा सा। आप इसको कुकर में भी बेक कर सकते हैं, कुकर में आप सिम पर इसको 40-45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पर केक हमारा बेक हुआ है, इसमें थोड़ा सा ऊपर क्रैक आया है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसको कट कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला कट कर लिया था पार्ट और केक हमारा इस तरीके से बेक हुआ है। अब इसको मैं 3 पार्ट्स में कट कर लूँगी इस तरीके से। हमारा पहला लेयर कट हो गई है, इसी तरीके से मैं दूसरी लेयर भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पर केक हमारा 3 पार्ट्स में कट हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारी फोटो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच का केक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 5 इंच का प्रिंट निकाला है और इससे थोड़ा सा बड़ा मैंने सेम साइज़ का जो है वो बटर पेपर भी कट किया है, थोड़ा सा देखिए बड़ा है। इसको हम ये ग्लू से इस तरीके से चिपका लेंगे। यहाँ पर हमारी फोटो जो है वो रेडी हो गई है, ये देखिए। फिर हम जो इस केक में फ्लेवर डालेंगे वो ये फ्लेवर मैं यूज़ कर रही हूँ, आइसक्रीम फालूदा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप वाटर में 1 TSP शुगर डालकर अपना शुगर सिरप जो है वो रेडी किया है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 कप जो है विप क्रीम विप करके रेडी की है अपने केक के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये 10 इंच का बोर्ड लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे विपिंग क्रीम, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे पैलेट नाइफ से और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपनी पहली लेयर। इसको प्लेस किया, इसको शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे और इसके ऊपर लगाऊँगी मैं विप क्रीम। ये देखिए पाइपिंग बैग से इस तरीके से हम विप क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसको पैलेट नाइफ से इस तरीके से स्मूथ कर देंगे। यहाँ पर स्मूथ हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून आइसक्रीम फालूदा फ्लेवर, इसको भी स्मूथ कर दूंगी मैं इस तरीके से और उसके ऊपर बाद में रखूंगी सेकेंड लेयर अपने केक की। ये देखिए जो टॉप पार्ट था उसको मैंने उल्टा करके यहाँ पर रखा है और उसको भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर देंगे और उसके ऊपर भी मैं विप क्रीम अप्लाई करूँगी। अब इसको पैलेट नाइफ से स्मूथ कर देंगे और स्मूथ करने के बाद में इसके ऊपर 1 TBSP जो हमारा फ्लेवर है उसको मैं डालूँगी और इसको भी इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे पैलेट नाइफ की हेल्प से। अब इसके ऊपर मैंने प्लेस किया अपनी फाइनल लेयर 3rd लेयर केक की और इसको भी शुगर सिरप से अच्छे से मैंने सोक कर लिया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं विप क्रीम लगाऊंगी इस तरीके से और सेम मैं इसी तरीके से पूरे केक को जो है वो विप क्रीम से कवर कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। केक हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है विप क्रीम से, तो अब मैं पैलेट नाइफ से यहाँ पर मैं जो ऊपर का पार्ट है उसको स्मूथ करूँगी। आप चाहे तो पैलेट नाइफ से साइड का भी कर सकते हैं स्मूथ। फिर मैंने यहाँ पर ये सिलिकॉन का स्क्रैपर लिया है और इससे मैं यहाँ पर इस तरीके से केक को स्मूथ कर दूँगी। बस ये टर्न टेबल को रोटेट करते रहेंगे और इसको घुमाते रहेंगे स्क्रैपर को, और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हर बार हम क्लीन करते रहेंगे और अपने केक को स्मूथ करते जाएंगे। केक हमारा यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी जो नोज़ल मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर ये मैंने ये स्टार नोज़ल लिया है इस तरीके से और ये मैंने एक यहाँ पर ये नोज़ल लिया है, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देती है। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी बरगंडी कलर,
इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम जो हमारी बची हुई थी उसमें थोड़ा सा मैंने बरगंडी कलर ऐड किया। आपको जितना डार्क या लाइट शेड चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको स्टार नोजल वाले पाइपिंग बैग में फिल कर लिया इस व्हिप क्रीम को, और जो बाकी व्हिप क्रीम बची थी उसको भी इस कलर में मिक्स कर लिया जिससे थोड़ा लाइट शेड आ जाए, और उसको मैंने दूसरी बारी नोजल वाले पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब मैंने स्टार नोजल को यूज़ करके यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐसे ये डिज़ाइन बना दूँगी केक के साइड्स में। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पर केक की डिज़ाइन बन गई है। अब यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो जो है वो ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बस जहाँ भी आपको प्लेस करना है बस प्लेस कर दीजिए और बटर पेपर को हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए व्हिप क्रीम के ऊपर, और देखिए हमारी ये फ़ोटो जो है वो सेट हो गई है। ये देखिए, अब मैंने ये केक के ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बना दूंगी। बस आप ध्यान रखिए कि जो भी डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं वो जो पेपर है उससे टच ना हो। आप ये बटर पेपर को आप कवर कर सकते हैं उससे, बट हमारा जो पेपर है बस वो टच ना हो, नहीं तो वो पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और बस ऊपर मैंने ये स्टार नोजल से ही छोटे छोटे फ्लावर प्लेस कर दिए इस तरीके से, और उसी नोजल से मैंने यहाँ पर केक के साइड्स में ये एक एक ये फ्लावर प्लेस कर दिए छोटे छोटे। नेक्स्ट मैंने ये गोल्डन एडिबल बॉल्स लिए हैं और उसको भी फ्लावर के बीच में एक एक करके प्लेस कर दिया, ऊपर भी और साइड्स में भी। और देखिए हमारा जो नॉन एडिबल विदाउट शुगर प्रिंट फोटो केक जो है वो रेडी हो चुका है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ोटो का साइज़ छोटा या बड़ा जो भी प्रेफर करते हो वो आप केक के ऊपर लगा सकते हैं। जब केक कट हो जाएगा तो आप बटर पेपर को ईज़िली बस केक के ऊपर से रिमूव कर दीजिए और ईज़िली इस केक को आप कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दुर्गा पूजा आप सभी को।